वेलकम इरादे में गटेल बरानते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान बैरिस्टर राजा अंसारी साहब नून लीग सां तालुकान जो वास्तो आ साईं बैरिस्टर साईं तां वेलकम चों दा अपने प्रोग्राम में मेहरबानी साहब अज अहम कानून साजी थी या आइनी तरमीम थी या त एक उम्मीदवार सिर्फ बिन हलकन ते इलेक्शन लड़ी सिकदो उन जो ब्रेकअप यो दिनो आ त 2 करोड़ तकरीबन 17 लाख रुपया सिर्फ एकरे हलके ते खर्च थे तो अगर को एकड़ो उम्मीदवार पंजन पंजन हलकन ते इलेक्शन तो बिड़े त उन जो नुकसान तो थे छा चोंदो सो एकड़ी मा समझादो त या जमुरियत जे ला एकड़ी सुठी पेशकदमी आए या कानून साजी इन का अग में असा दिसंदा होया से त एकड़ो उम्मीदवार तमाम घणन हलकन का भी इलेक्शन बीह सकंदो हो जो कानून में उनकी गुंजाइश होंदी हुई उन जे नतीजे में या गाल वरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जे रूल्स का एकड़े मतलब उन जे मुतजाद हुई छो जो रूल्स यो चवंदा होया त तवा एकड़ो सर्टेन अमाउंट खर्च करे सको ता उन का मथे खर्च था करे सको त लाज़मी गाल आए त जदे एकड़ो मानु इलाही काफी सारे हलकन में बीहंदो त वो अमाउंट लाज़मी गाल वधंदो वेंदो त उन जे करे या कानून साजी थी आए त जिए घट में घट हलके का एकड़ो मानु बीह सके उनमें एकड़ो यो फायदो भी थींदो त जेके मानु फाइनेंशियली स्ट्रांग ना आहिनि उहे भी इलेक्शन विढ़ी सघंदा त मां समझां थो त एकड़ी बहितर अमल आहे जंहिंसां जमहूरियत पाकिस्तान में मज़बूत थींदी इहा कानून साजी अॻिमें थियणु घुरिजे आहे बहरहाल देर आहे दुरुस्त आहे असां सम्झूं था त हिकु तमामु बहितर इक़दाम थियो आहे जंहिंजे करे पाकिस्तान में जेके जमहूरी रिवायतूं आहिनि उहे अञा वधीक मज़बूत थी थियनि और पीटीआई जी हुकूमत के जड़े तरीके से आंदो वो मुल्क के तबाही जी तरफ जो है जी त धिकियोलो वो जी तबाही जी तरफ मुल्क के कयो वो है इन सा मुल्क के अंदर वही तबाही आई चार साल दौर उहे किरदार भी जिम्मेदार हैं जै उनके मुसलत कियो चवंदो बिल्कुल इनमें दिसो के भी बराए ना हैं मां त काफी अरसे का यो चवंदो आयो आ त इन मुल्क दी तबाही जो बुनियाद उन दी रखो वयो हो जै दी मियां नवाज शरीफ से नाअल करार दिनो वयो एकड़े एड़ी गाल में जमे चे वो तो पुट का पगार जो ती पर न वरतल त पगार भी तेजे इनकम टैक्स गोशवारे में जरूर उन जिक्र किया हाँ इं समझा तो मजाक हुई पाकिस्तान के आइन से पाकिस्तान के कानून से पाकिस्तान के अदालती निजाम से जै मजाक जो सहारो वी कर मियाँ नवाज शरीफ से ता हयात नाअल करार दिनों वो उन या बुनियाद रखी वही हुई तो पाकिस्तान के हाँ अस तबाह करो उनकी मईशत के तबाह करो उनो तबाही जो न खत्म थन्दड़ सिलसिलो शुरू थी वो यो तो समझा तो तमाम पीडीआई से पीडीएम जो जमातू हैं उन्हें वक्तायतों फैसलो नो कॉन्फिडेंस मूव हाँ आइनी तरीके से इन में जान छाई न तो इन फितने में जान छाने को रस्त ही न बचो हो उन वक्त जान छाई जैसे उ सब किरदार उन गड बीठल हुआ तो मैं समझा तो पाकिस्तान में जैस तई 1973 जो आइन है तेस तई समझा तो अवाम के यह उम्मीद जरूर रही 1973 जो आइन हमेशा अवाम के हकन की हिफाजत कदो रो इन किस्म जहा फितना जैसे मुल्क में इंदा तो 1973 जो कानून या आइन ही जो है मुकाबलो पीटीआई के चेयरमैन के जनरल हेडक्वार्टर केस यानी जेएचक्यू केस में मुलजिम नामजद करने जो फैसलो किया वो है या खबर आए कि उनके मुलजिम किया वो चवंद इन ऐसो पाकिस्तान जो कानून क्लियर है वो चवे तो जो खास तौर पर पीपीसी जो सेक्शन 109 है अबेटमेंट जो मू कू के उकसाए तो का भी कदम खण से उनके भी साधी सजा मिली जी उन जुर्म की सजा है यानी जैसे को मू कू के उकसाए तो तू वही जीएसक्यू से हमलो कर तो जी जीएसक्यू से हमले कर सजा है वह सजा उन हमलावर के मिली है उनके उकसायण वाले के भी मिली जो उनके शय दे तो जो उनके चुर्च दे तो बाबा तू वही करो कम कर बिन्हीं के लिए पाकिस्तान जो कानून बिन्हीं के लिए सारी सजा तजवीज करे तो इन कर समझा तो पीपीसी के सेक्शन 109 तहत इमरान खान के जरूर कन्विक्ट करण घुर्जे छो जो इमरान खान जहा साथी जी अज मीडिया से अची कर बाबाग दोहल या गाल कन था तो यो सजो मामलो इमरान खान की ही मर्जी ए मंशा मुताबिक थो है उन इंस्ट्रक्शन से थो है तुम कल दिखो तो परवेज खटक साहब जो गाल उनमें तो यह गाल हाँ बिल्कुल वाजे थी वही है त 9 मई जहाँ जो वाकया हुआ उनके पोया जो सोच हुई वह इमरान खान की हुई तो यो नो सके तो जैसे पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद हुए जैमें यो लिखो वो हो मुलजिम जो यो जुर्म डायरेक्टली करे तो वो जो उन जुर्म कराए तो वो बई साजी सजा जहा हकदार
जो कानून मौजूद है तो इमरान खान के उनका छो बजन घुर्जे जरूर इमरान खान के कन्विक्ट करण घुर्जे जैसे जुल्फकार अली भुट्टो के तहत सेक्शन 109 के तहत कन्विक्ट कर नतीजे में फांसी दई सोता तो इमरान खान को मथा आसमान तक को नो आए इमरान खान के भी जरूर सेक्शन 109 जो सामनो करो घुर्जे उनके खिलाफ जो वायदा माफ गवाह बणजी चुका है जो उनका साथी रहा उनका कैबिनेट में वजीर रहा अज उ सारी दुनिया के सामूँ चवन था तो 9 मई जो वाक्य है उनके पोया इमरान खान की सोच इमरान खान की इंस्ट्रक्शन आन उन हिदायतू आज जिनते यो सो कुछ वो तो समझा तो उनके जरूर कन्विक्ट करण घुर्जे अब जी IMF जहा शरात IMF एक सुो प्रोग्राम जी तो इन गवर्नमेंट अवेल किया पर उनते खुश थियण त न खपे उनते फखर महसूस त न करण खपे उनते फिक्र करण जी जरूरत है जी वजीर आजम पान चो आहे इन जो डायरेक्ट बोझ त आवाम ते पोंदो बैरिस्टर साहब अमीर साहब तमाम बिल्कुल सही दा चो असा खुशी सा कदे भी IMF जी तरफ न वया आयो तमा दिथो त माजी में इमरान खान जेको चवंदो होयो त मा जेकरे IMF का कर्ज वरतो त खुदकशी कदस वो मानू कें तरीके से IMF दे वयो पाकिस्तान के गिरवी रखाई पाकिस्तान का इदारा गिरवी कर छी एडियो मुश्किल शर्तू उन एग्री कर वही रो जो उन निकरण के लिए असा वो को रस्तो ही न बचो तो अस IMF से कंटिन्यूएशन रखू उन प्रोग्राम के जॉइन कर पाकिस्तान की मईशत के सहारो दूँ तमाम मुश्किल फैसला असा करना पाया जैसे असा बींग सियासी जमात का भी सियासी जमात न चाहिए आज एतरा मुश्किल फैसला क्यों छो उनकी सियासत तबाह की है पर असी वक्तायती तौर से सियासत तबाह कदे पाकिस्तान के पाकिस्तान की मईशत के बचाने के लिए अस ये सब कदम खयासे हाँ भी जो प्रोग्राम IMF जो मिलो है उनमें लाजमी गाल शर्तू अची सख्त हैं जो अस ना चाहूँ उनते खुश खुश ना चाहूँ पर अस रस्तो को हो पर इन में वे आउट इन में बाहर निकरण जो रस्तो भी इो ही है टाइम लिमिटेड बैरिस्टर साहब टाइम डिनों से गुजरात अल्लाह हाफिज़।